पंजाब और आपका बेटा दोनों मरेंगे। कैसा लग रहा है अब? तुम्हारे होते हुए कुछ हो सकता है क्या हमें? प्लीज तुम लेटी रहो, उठो मत। उस वक्त ऐसा लगा था तुम्हें कभी दोबारा देख ही नहीं पाएंगे। तुम हमें दूसरी जिंदगी दे दी है शेफ। थैंक यू। आज तुम अपने डर के ऊपर जीत हासिल किए हो शेफ, हमारे दुश्मनों को उनकी जगह दिखाए। तुम तो आज ये साबित कर दिए कि जब तक हम दोनों साथ हैं, हमारे महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा कोई बाल भी बाकर नहीं कर सकता। बस कल एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद देखना हमें कैसी फुर्ती आती है। तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ख्याल रखो अपना। और कल वैलेंटाइंस डे है, सबसे बेस्ट गिफ्ट तुम्हारा है। ये लीजिए चुड़ैल के पैरों की मट्टी। एक बात कहें आपसे गिरजा जी। हाँ कहिए ना। आप ना इस वक्त एकदम राजेश खन्ना लग रहे हैं, इस वक्त आप पे हम फिदा हो गए। अरे आपने तो गोली मार दी एकदम से। और ये मंडारी का पान खाते झूठ तो हम कहेंगे नहीं, आप एकदम मुमताज लग रही हैं एकदम से। हर वक्त जो है आप ही का चेहरा हमारी आंखों के सामने रहता है। हाँ बता दे रहे। अब मेरे पांच गिनने तक वो चुड़ैल इस शीशी में आकर कैद हो जाएगी। एक दो तीन चार पांच। ये क्या बाबा, वो तो बाहर नगाड़े बजा रही है। नगाड़े नहीं है, इस बात का संकेत है कि वो चुड़ैल मेरे पास आ रही है। ये तो हमारे जमाई बाबू हैं, निकालो इन्हें बाहर। अरे अम्मा जी बाहर निकालिए। अरे ये तांत्रिक नहीं है, आपत की पुड़िया है ये। अरे घर की चुड़ैल को बंद करने की जगह आपके जमाई को, घर के जमाई को इसने अंदर बंद कर दिया है। अरे बाबा ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? तुमने जिसके पैर की मट्टी लाई मैंने उसे कैद कर दिया। अरे बकवास बंद कर तांत्रिक, हमारी जमाई को बाहर निकल पहले।
कोई जरूरत नहीं है अम्मा इन्हें यहाँ से निकालने की, पड़े रहने दो इन्हें इसी बोतल में। क्या बकवास कर रही हो रेखा? बहुत लबराते थे ना ये इस चुड़ैल के पीछे, अब कम से कम हमारी मुट्ठी में तो आएंगे। पागल हो ये रेखा? नहीं रेखा, चल 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 कमल, अरे निकल यहाँ से, फालतू में ले आया। वापस ले लूंगा तुमसे। कल एक बार हमारी शादी हो जाए उनके बाद देखूंगा हमें कैसे फुर्ती आती है। बस इस शिव का खेल खत्म करना ही होगा, कल सुबह अनन्या हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। शैतान और चुड़ैलों के सिर पे अगर लोहा चले जाए तो हम मर जाते हैं। बड़े भैया, आपका इस कहानी में अब खेल खत्म। काफी देर हो गई अनन्या, सो जाओ आप। नींद ही नहीं आ रही है हमें, कुछ गुनगुनाओ ना। मैं गुनगुना हूं। और कोई दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है। दिल चाहता है तुझे कितना बताना है, हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। अब थक चुके है ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम। ता उम्र प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे हमदम। सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, अपनी किस्मत को रो रहे। कभी इस घर में खुशियां हुआ करती थी, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, और आज वही बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे। और ये अपने जमाई बाबू और रेखा, इन दोनों के रिश्ते की मिसाल देते थे हम लोग, और आज देखो हमारी बिटिया अपने पति को बोतल में बंद किए बैठी। सही कह रही हूँ अम्मा,
अनन्या की माँ के गुजरने के बाद जाने हमारी कैसे बुद्धि फिर गई थी जब मैं चुड़ैल से शादी कर ली। अरे नहीं बेटा, तो हम भी कहाँ रोक पाए तुम्हें, जबकि इस घर की कमान हमारे हाथ में थी। लगता है धीरे धीरे वो भी हाथ से हमारे फिसलती जा रही है। तो अच्छा हुआ अम्मा हमने राहुल को इस माहौल से दूर भेज दिया। हाँ बेटा, ये एक काम बहुत अच्छा हो गया। अब वही आखिरी सहारा है इस घर का, उसी से उम्मीद है कि वो अपने जीवन में जरूर कुछ अच्छा कर पाए। बाकी तो तुम देख ही रहे हो। चिंता मत करो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। देखो महादेव क्या करते हैं। ये काम बहुत जरूरी है और इसके बिना मेरा मकसद अधूरा है। अगर कोई भी गलती हुई ना तो सब खेल खत्म। हेलो। हाँ बस 2 मिनट में आ गया। देखो तो सही जरा, क्या घर कर क्या रहा है ये। लाल डिब्बे में आखिर है क्या? मोहिनी को बताती हूँ। क्या हो सकता है उस लाल डिब्बे में? छाया, उससे वो लाल डब्बा लेकर आ। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस डब्बे में सिर्फ अनन्या के लिए कोई तोहफा हो। हो सकता है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर मुझे पूरा यकीन है छाया, इसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही खतरनाक खुराफात चल रही है। हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है कि उस लाल डब्बे में क्या है। समझ रही है ना तू? ठीक है। चुड़ैलों के सिर पर लोहा चले जाए तो हम मर जाते हैं। हेलो भाई, मैं अनन्या के लिए प्रार्थना करने के लिए वो पुराने वाले मंदिर में जा रहा हूँ, जंगल में। आप भी आ जाइए। सब मेरे हाथ की कठपुतलियां हैं, जिसको जहां मोड़ूंगा, जहां नचाऊंगा वो वैसे ही नाचेगा। मुबारक हो भैया, इसमें सबसे पहला नंबर आपका। सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। मतलब कि उसने शिव को मारने का रास्ता ढूंढ लिया है और आज रात वो शिव को मारने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता,
अगर ऐसा हो गया छाया तो मेरी सालों की मेहनत, तपस्या, मेरा वजूद सब खत्म हो जाएगा। हमें उसे रोकना होगा। शेर! अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। कितने अच्छे लगते थे दोनों साथ में, लेकिन अब अनन्या के साथ सिर्फ मैं अच्छा लगूंगा। भैया प्लीज मुझे बचा लो, इनकी चुड़ैल ने मुझे धोखे से जंगल में पकड़ लिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक ये दोनों जिंदा है अनन्या मुझे तब तक नहीं मिल पाएगी। इसलिए मारना तो दोनों को पड़ेगा। वैसे मेरा प्लान तो सिर्फ शिव को मारने का था, लेकिन आप लिटिल मम्मी आप बहुत स्मार्ट हो गई हैं, इसलिए अब आपको भी मारना पड़ेगा। किसे पहले मारूं? शिव? नहीं लिटिल मम्मी, नहीं शिव। क्या करूं, एक तरफ बड़े भैया हैं तो दूसरी तरफ मुंह बोली मां। एक काम करता हूं, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। अमर, अमर! क्यों बुलाया है? Come on, little मम्मी आप इतनी स्मार्ट तो हैं, तभी तो यहाँ पे आई हैं। शिव को मुझसे बचाने, है ना? हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। इससे पहले तू उसे एक भी खरोच दे, मैं तुझे मार दूंगी। मेरे जन्मों की तपस्या है वो, मेरा अस्तित्व, मेरी शक्तियां हैं उसमें। ऐसे ही कोई हैरा गैरा उसे खरोच भी नहीं दे सकता। लिटिल मम्मी आप ना सिर्फ ये
बड़ी बड़ी बातें ही कर सकती हैं, जैसे कि आप इस सर्कल में कैद हैं और बिना अपनी शक्तियों के आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकती, लेकिन मुझे इन शक्तियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना शक्तियों के ही मैं अपनी सारी बातें और एक्शन आसानी से कर सकता हूं। देखना चाहेंगी कैसे? ऐसे आज आप और आपका बेटा दोनों मरेंगे।